बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अल्लाह से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। हमारा कोर्स है कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री। अब इसमें हमारे पास दो वर्ड हैं, एक कैलकुलस है बेटा और एक हमारे पास है एनालिटिक ज्योमेट्री। कैलकुलस में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन, डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन, जबकि एनालिटिक ज्योमेट्री में हम क्या डिस्कस करेंगे? इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री नंबर वन, नंबर टू हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग है, नंबर थ्री हमारे पास बेटा है कॉनिक सेक्शन, और नंबर फोर हमारे पास क्या है? वेक्टर्स। अब यहाँ पे एनालिटिक ज्योमेट्री की अगर हम बात करें कि ये कहाँ से डिस्क्राइब हुआ, हमने इससे पहले जो दो पोर्शन पढ़े थे इन मैट्रिक लेवल पे, एक हमने अलजबरा पढ़ा था, दूसरा हमने ज्योमेट्रिक पढ़ी थी, ठीक है। अब वो क्या है कि अगर हम अलजबरा को इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री में यानी कि डिस्कस करें तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये एनालिटिक ज्योमेट्री कहलाता है। अब आज का हमारा जो लेक्चर वन है वो है फंक्शन। बेटा अब हम फंक्शन को इंट्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है कि इसको इंट्रोड्यूस किसने करवाया हमारे पास। द वर्ड फंक्शन यूज्ड, जो फंक्शन का वर्ड है वो इस्तेमाल किसने किया? जर्मन मैथमेटिशियन लिबनीज ने। वो लिबनीज ने इसको इस्तेमाल किया सबसे पहले, और इसका कंसेप्ट उसने क्या दिया? टू डिस्क्राइब डिपेंडेंस ऑफ वन क्वांटिटी ऑन द अदर क्वांटिटी, कि हम जिसमें एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कैसे करती। मसलन y इज इक्वल है 3x² प्लस x प्लस 1, रीड y डिपेंड्स ऑन x और y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है एरिया इज इक्वल टू x², एरिया डिपेंड ऑन द साइड x और एरिया इज फंक्शन ऑफ साइड x। मैं इसको वैसे अगर एक्सप्लेन करूं कि हमारे पास जो x है वो y है वो x के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, कि हम यहाँ पे x की जगह 1 पुट करें तो हमारे पास y बेटा 5 आ जाएगा। अगर आप x की जगह 2 पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस 2 14 प्लस 1 क्या आ गया 15, तो इसका मतलब है y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, कि हम x की वैल्यू यहाँ पुट करते जाएं हमारे पास y की वैल्यू आती जाएगी। सिमिलरली हमारे पास अगर यहाँ पे हमें साइड गिवन है, हम साइड की वैल्यू पुट करते चाहेंगे हमारे पास एरिया निकलता आएगा। अगर मैं इसको रोजमर्रा की तरफ मूव करूँ, मैं फॉर एग्जांपल अब एग्जांपल के तौर पर अपने फादर पे डिपेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो मेरे लिहाज से क्या है? इंडिपेंडेंट है, जबकि मैं उनके लिहाज से क्या हूँ? मैं उन पर डिपेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक्स जोन सा है वो वाई, एक्स जोन सा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वाई जोन सा है वो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ये तो है इसका इंट्रोडक्शन। अब बेटा हम फंक्शन की डेफिनेशन की बात करते हैं। फंक्शन से पहले हमें रिलेशन का पता होना चाहिए। रिलेशन हमारे पास एक ऐसा रूल है जिसमें एक एलिमेंट की बहुत सारे एलिमेंट से पेयरिंग हो सकती है, जबकि फंक्शन इज अ रूल दैट रिलेट्स टू सेट्स सच दैट टू ईच एलिमेंट ऑफ अ फर्स्ट सेट अ यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम वी ऑफ अ स्फीयर इज अ फंक्शन ऑफ इट्स रेडियस आर गिवन बाय वी इज इक्वल टू 4/3πr³। फंक्शन हमारे पास क्या है? इसमें एक एलिमेंट की पेयरिंग एक के साथ होगी। अगर एक एलिमेंट की पेयरिंग दो एलिमेंट के साथ है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर एक एलिमेंट की पेयरिंग एक एलिमेंट के साथ ही होगी तो देन हमारे पास फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर एक एलिमेंट की पेयरिंग दो एलिमेंट के साथ होगी तो देन वो फंक्शन नहीं, वो रिलेशन कहलाएगा। अब इसके की पॉइंट है अंडरस्टैंड करने के। फर्स्ट है कि एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, दैट इज एफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्या मतलब है कि जो फंक्शन में पेयर आएंगे वो सारे के सारे बेटा सबसेट होंगे ए क्रॉस बी का, मतलब कि वो सारे के सारे हम रिलेशन में से लेंगे, ठीक। नंबर टू पॉइंट हमारे पास क्या है? जो डोमेन है फंक्शन की बेटा वो हमारे पास सेट ए के इक्वल होनी चाहिए, कि जो पहले वाला सेट होगा जो फंक्शन की डोमेन होगी वो हमारे पास सेट ए के इक्वल होगी। थर्ड पॉइंट बेटा हमारे पास क्या है? एलिमेंट ऑफ डोमेन डजंट रिपीट। जो हमारे पास डोमेन है फंक्शन की डोमेन, उसके जो एलिमेंट हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है रियल फंक्शन। इसकी जो फंक्शन की डायग्राम है वो हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, उसके पहले हम रियल फंक्शन को भी डिस्क्राइब कर लेते हैं। कहता इफ एफ सच एक्स बिलोंग टू कैपिटल वाई, कैपिटल एक्स बिलोंग टू कैपिटल वाई यानी कि एक्स से वाई फंक्शन है बी अ फंक्शन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स टू एन अदर नॉन एम्प्टी सेट वाई, यानी कि हम एक एलिमेंट एक्स में से लें और उसका जवाब हमारे पास वाई में से आता जाए। वेयर देखें एक्स हमारे पास है, जबकि y सबसेट ऑफ x का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, देन वी से दैट f इज रियल वैल्यूड फंक्शन और इन शॉर्ट अ
रियल फंक्शन, क्या मतलब है कि जो हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट हों वो रियल नंबर्स हैं, तो देन वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रियल फंक्शन कहलाएगा। अब इस ये जो हमारा चैप्टर है इसमें सारे के सारे हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन ही होंगे। अब बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये देखिए ये हमारे पास एग्जांपल है, ये फंक्शन है। देखिए एक एलिमेंट की पेयरिंग बेटा एक एलिमेंट से हो रही है, मैं कहता हूँ यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की पेयरिंग फर्स्ट से है, सेकंड के एलिमेंट की पेयरिंग सेकंड से है, थर्ड एलिमेंट की पेयरिंग थर्ड से है, तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब यहाँ पे देखिए हम एक्स की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, हमारे पास वाई की वैल्यू आती जा रही है, तो ये हमारे पास एक्स क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि वाई जो है वो हमारे पास क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह बेटा हमारे पास सेकंड जो एग्जांपल है, कहता है ये रिलेशन वन है, ये रिलेशन टू है, ये फंक्शन है और ये फंक्शन नहीं। ये फंक्शन क्यों, क्योंकि देखिए इसकी बेटा डोमेन रिपीट नहीं हो रही। सबसे अहम पॉइंट मैंने आपको बताया कि डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे हमारे पास डोमेन रिपीट नहीं, इसलिए ये फंक्शन है। जबकि यहाँ पे देखें फाइव की टू टाइम पेयरिंग है, ए के साथ भी और सी के साथ भी, तो इसलिए ये वाला हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। अब डोमेन को हम इनपुट भी कहते हैं, और जो हमारे पास उसका जो रेंज होती है, जो हमारे पास आंसर मिलता है, वो हमारे पास आउटपुट कहलाती है। तो ये फॉर एग्जाम्पल हम इनपुट अप्लाई कर रहे हैं, ये फंक्शन उस पर कोई ऑपरेटर अप्लाई होता है, देन जो हमारे पास उसका आंसर आता है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसकी आउटपुट कहलाएगी। अब नेक्स्ट बेटा हम इसकी ग्राफिकल अप्रोच को देखते हैं कि फंक्शन को हम ग्राफिकली किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। द ग्राफ प्रोवाइड अ विजुअल टेक्निक फॉर डिटर्मिनिंग वेदर द सेट ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट अ फंक्शन और नॉट। इफ अ वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट अ ग्राफ इन मोर देन वन पॉइंट देन इट इज नॉट अ ग्राफ ऑफ फंक्शन। इस डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा है कि अगर एक वर्टिकल लाइन है, ये बेसिकली वर्टिकल लाइन टेस्ट है, अगर एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक दो या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। फंक्शन के लिए जरूरी है कि वो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करे। फर्स्ट वाली देखें, ये सारी स्ट्रेट लाइन है, ये सारी वर्टिकल लाइन है। अब ये वर्टिकल लाइन जिधर मर्जी आप इसको ड्रा कर लें इस ग्राफ के ऊपर, वो ग्राफ को एक पॉइंट पे कट करिए। वर्टिकल लाइन है ये एक पॉइंट पे कट करिए, एक वर्टिकल लाइन है ये भी एक पॉइंट पे कट करिए, तो ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा। अगर इसकी बात करें, देखिए बहुत सारी हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रा की हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको दो पॉइंट पे कट कर रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, इसको एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर रही है, तो ये भी हमारे पास इसको एक पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये भी हमारे पास क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे भी देखें वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही है, ये भी हमारे पास क्या है, ये फंक्शन है। जबकि ये एक सर्कल है, ये येलो वाला ये एक सर्कल है हमारे पास, तो ये एक वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन जो सी बेटा इसको दो पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये हमारे पास सर्कल नहीं कहलाएगा। अगर ये हमारे पास डायग्राम आप यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें, तो ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो ये है हमारे पास कंसेप्ट जो हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच क्या है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है वैल्यू ऑफ फंक्शन। द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज नोटेड बाय एफ ऑफ ए, इट इज ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग एक्स इक्वल टू ए इन एफ ऑफ एक्स। हम x की जगह a पुट करते जाएं, हमारे पास उसकी f of a की वैल्यू निकलती आएगी। ठीक, सेट ऑफ ऑल इमेज पॉइंट इन y अंडर द मैप f इज डिफाइंड एज f of x इज इक्वल टू f of x सच दैट f of x बिलोंग टू y एंड x बिलोंग टू x। ये वही बात है कि हम x की वैल्यू x से लेंगे, और उस जो हमारे पास आंसर क्या आएगा f of x में, और f of x किसको बिलोंग करेगा y को, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, वन टू वन इमेज चल रही है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा हमारे पास है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। If x belong कर रहा है y को, be a function, then the set of all image point in y under the map f is called the range of f। के x की वैल्यू जो हम पुट कर रहे हैं वो हमारे पास डोमेन है, और जो हमारे पास y का आंसर आ रहा है वो बेटा हमारे पास क्या है, रेंज है। द सेट y इज कॉल्ड द को डोमेन ऑफ f, क्लियरली f of x belong to y, also x is domain of f। अब जो हमारे पास इसकी एग्जाम्पल है, ये देखें हमारे पास एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये वाले सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, ये 2, 3, 4, 5, ये हमारे पास इस एक सेट M है, और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, N है। इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।